सिनेमा डायरी में आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोरियन फिल्म द नाइट कम फॉर अस। फिल्म की शुरुआत में हम सिक्स सीज को देखते हैं, जो केवल 6 पुरुष और महिलाओं से बना एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके नाम किसी को मालूम नहीं है। सिक्स सीज को साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइज्ड गैंग ट्रायड ने बनाया है ताकि वे इनके विरोध करने वाले और दुश्मनों को मार सके। सिक्स सीज के पास सबसे ज्यादा पावर है। ट्रायड एशिया में 80% अवैध तस्करी कंट्रोल करता है, जिसमें वे ड्रग्स के सप्लाई और महिलाओं के व्यापार से काफी पैसा बनाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि समुद्र किनारे रीना नाम की लड़की बेहोशी से होश में आती है। वो पूरी तरह से घायल है। जब रीना समुद्र तट पर अपनी बस्ती की ओर जाती है, तब वो देखती है कि हथियारों से लैस कुछ लोग उनके लोगों को मार रहे हैं। रीना के सामने उसके माता पिता को मार दिया जाता है। तभी सिक्स सीज के मेंबर इतो को अपनी गन मिल जाती है। वो रीना पर अपनी गन तान देता है। रीना डर से कांप रही है क्योंकि रीना के माता पिता को उसके सामने ही मार दिया गया था। इटो कुछ सोचता है, फिर पीछे मुड़कर सिक्स सीज के सभी सैनिकों को गोली मार देता है, जिसके बाद वो रीना को लेकर जकार्ता भाग जाता है। जकार्ता में वो शिंता के घर जाता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड है। दोस्तों, इटो 3 साल बाद शिंता के पास आया है। शिंता तो ये मान चुकी थी कि इटो की मौत हो गई है। इटो कहता है कि वो उसकी लाइफ खतरे में डालना नहीं चाहता था, इसलिए छिपा हुआ था। इटो की चोट का इलाज करने के बाद शिंता फाती को बुलाती है, जो इटो के साथ पहले गैंग में काम करता था। फाती इटो से पूछता है कि तुमने रीना को बचाने के लिए ट्रायड के नियमों को क्यों तोड़ा। दूसरी ओर ट्रायड ने इटो को तेजद्रोही घोषित करके उसे ढूंढना शुरू कर दिया है। इटो फाती से कहता है कि उसे तेज से बाहर निकलना है और रीना को सुरक्षित रखने के लिए एक ठिकाना ढूंढना है। इस काम के लिए इटो को पैसे के साथ साथ रीना के लिए नई आइडेंटिटी की भी जरूरत है, क्योंकि इटो फाती और दूसरे लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालना नहीं चाहता। वो फाती से कहता है कि अभी उसके ठिकाने के बारे में किसी और को न बताया जाए। तब फाती कहता है कि गैंग में उनके अलावा अब सिर्फ विष्णु और बॉबी ही बचे हैं। फाती इटो से एरियन के ठिकाने के बारे में पूछता है, जो उनका पुराना साथी था। इटो कहता है कि एरियन अब मकाओ में रहता है, जहां वो ट्रायड के नाइट क्लब को संभालता है। अगले सीन में हम एरियन को देखते हैं, जो नाइट क्लब में अपनी ड्यूटी पर है। तभी कुछ लड़के एक महिला वेटर के साथ गलत व्यवहार करते हैं। एरियन वहां पर आता है और उन लड़कों को बुरी तरह से पीटता है और फिर उन सभी को जान से मार देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आवारा लड़के क्लब में फिर से आकर किसी महिला को परेशान करे। जिसके बाद एरियन को सिक्स सीज के मेंबर चियन वू का फोन आता है, जो उसे सिक्स सीज मेंबर इटो के विश्वासघात के बारे में बताता है। वो कहता है कि इटो ने एक लड़की को बचाने के लिए ट्रायड के सिक्स सीज को मार दिया। जिसके बाद चियन वू एरियन से कहता है कि वो चाहे तो सिक्स सीज गैंग का मेंबर बन सकता है, लेकिन इसके लिए इटो को मारने में गैंग की मदद करनी होगी। एरियन तुरंत इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद एरियन तुरंत जकार्ता जाने के लिए रवाना होता है। फ्लाइट में एरियन अपने अतीत को याद करता है, जब उसे और इटो को ट्रायड में शामिल किया गया था और उन्होंने जीवन भर ट्रायड की सेवा करने की कसम खाई थी। एरियन जकार्ता पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात अल्मा और एलेना से होती है, जो चियन वू और ट्रायड के लिए एनफोर्सर का काम करती हैं। चियन वू एरियन को बताता है कि बदला लेने के लिए समुद्र तट पर लोगों को मारना पड़ा, क्योंकि वहां के लोग ट्रायड से ड्रग्स लेकर सप्लाई करने के बजाय अन्य लोगों को बेच देते थे। अब चियन वू सीधा मुद्दे पर आता है। वो एरियन से कहता है कि उसे रीना का मर्डर करना होगा, क्योंकि समुद्र तट पर हुए नरसंहार की वो अकेली चश्मदीद गवाह है, और इस मामले को ठीक तरीके से संभाला नहीं गया तो ट्रायड के लिए काफी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। चियन वू ये भी बताता है कि ट्रायड अब जकार्ता में भी काम करेगा, और अगर एरियन इटो और रीना को मारने में कामयाब होता है तो चियन वू जकार्ता का बिजनेस उसे सौंप देगा। फाती के फ्लैट पर इतो और रीना के पासपोर्ट के लिए फोटो खींचे जा रहे हैं। तभी बॉबी बताता है कि उनके एक साथी योहान ने धोखा दिया है और उनके सारे पैसे चुरा लिए हैं। योहान, जो कि बुचर शॉप चलाता है, जिसने जकार्ता में ड्रग्स का कारोबार बढ़ाने के लिए ट्रायड के साथ काम किया। इटो योहान के पास जाता है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत है। योहान को इटो के बारे में पता है, इसलिए वो इटो का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी गन निकाल सके, लेकिन इटो पहले ही उस पर हमला कर देता है और अपनी गन योहान पर तान देता है। योहान सरेंडर कर देता है और कहता है कि पैसे तिजोरी में रखे हैं, जो कि वर्कशॉप के अंदर है। वर्कशॉप में योहान के आदमी इटो पर हमला करने के लिए तैयार है। यहाँ पर खतरनाक फाइट होती है और इटो योहान के आदमियों को मारने में कामयाब होता है। आखिरकार योहान इटो को पैसे दे देता है। साथ में ये भी कहता है कि उसने अपने आदमियों को रीना का मर्डर करने के लिए फाती के घर भेज दिया है।
कुछ देर बाद करप्ट पुलिस अफसरों का एक ग्रुप योहान के ठिकाने पर आता है। ये पुलिस वाले ट्रायड के लिए काम करते हैं। पुलिस वाले इटो को अरेस्ट कर लेते हैं और योहान को मार देते हैं। इसी दौरान योहान के भेजे हुए कुछ आदमी हथियारों के साथ फातिह के फ्लैट पर पहुंचते हैं। वहां मौजूद बॉबी योहान के आदमियों को पहचान जाता है और वो शिंटा को वहां से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद बॉबी योहान के दो आदमी को लिफ्ट में ही मार देता है, जिसके बाद अपने शर्ट में लोहे की दो प्लेट छिपाकर फ्लैट के अंदर आता है जहां उस पर फायरिंग होती है। वहीं फातिह और उसके साथियों को योहान के आदमियों ने गन पॉइंट पर रखा है। घमासान लड़ाई होती है। फातिह और उसके साथी योहान के आदमियों से निपट लेते हैं। फातिह बॉबी को शिंटा के बारे में पूछता है और उसे यहाँ से हो सके इतना दूर जाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद योहान के और आदमी यहाँ पर आते हैं। फातिह और उसके दो साथी इतने लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वे दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वहीं एरियन नीचे कार में बैठा है जो देख रहा है कि फातिह के घर में क्या हो रहा है। वो फातिह और उसके साथियों पर हमला करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। इस बीच इटो, जो कि पुलिस वैन में बेहोश था, होश में आता है। इटो अपने आप को जंजीरों से मुक्त करने के लिए पुलिस वालों पर हमला करता है। पुलिस वैन में हो रही फाइट के कारण वैन पलट जाती है। करप्ट पुलिस वालों को मारकर इटो वहां से भागकर फातिह के फ्लैट पर आता है, क्योंकि रीना की जान खतरे में है। अब चियन वू एल्मा एलेमा और ट्रैड के सैनिकों को फातिह और बाकी साथियों को मारने के लिए भेजता है, क्योंकि योहान के आदमी उन्हें नहीं मार पाए। सबसे पहले एलेना तीन ट्रैड सैनिकों के साथ आती है, जिसका सामना बॉबी के साथ होता है। हालांकि एलेना के सामने बॉबी कुछ भी नहीं है। एलेना बॉबी को आसानी से मार देती है। वहीं रीना को लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे विष्णु का मुकाबला अल्मा से होता है। अल्मा एक ट्रेंड सोल्जर है जो विष्णु को बेहद बुरी तरीके से मार देती है। अपने सामने विष्णु को मरता देख फातिह गुस्से से भर जाता है। वो अल्मा पर हमला करता है लेकिन विफल रहता है। फातिह भी बुरी तरह से घायल है। तभी वहां पर एरियन आता है जो फातिह को अल्मा से बचाता है। अल्मा और एरियन दोनों ट्रायड के स्किल्ड एनफोर्सर है। दोनों के बीच फाइट होती है और एरियन अपनी स्किल से अल्मा को पछाड़ देता है। फातिह समझ जाता है कि वो एरियन ही था जिसने योहान और ट्रायड को उसके घर का पता बताया था। एरियन कहता है कि इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब एरियन फातिह को कहता है कि रीना को लेकर मेरे साथ चलो, नहीं तो ट्रायड के सैनिक तुम्हें बेमौत मार देंगे। एक लड़की के लिए कब तक लड़ते रहोगे? यह सुनकर फातिह गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एरियन कहीं ना कहीं फातिह के साथियों की मौत के लिए जिम्मेदार है। वो गुस्से में अपनी गन फायर करता है और रीना को कार में लेकर चला जाता है। तभी ट्रायड के सैनिक वहां पर आ जाते हैं और फातिह की कार पर फायरिंग करते हैं। फातिह कार रिवर्स देता है और रीना को कार से बाहर जाकर छिपने के लिए कहता है। अब वो ट्रायड के सैनिकों का मुकाबला करने जाता है, लेकिन ट्रायड के सैनिक उसे गोलियों से भून देते हैं। जब ट्रायड के सैनिक फातिह की डेड बॉडी चेक करने जाते हैं, तभी एक अनजान महिला उन पर गोलियां चलाती है, जो ऑपरेटर के नाम से जानी जाती है। वो फातिह की बॉडी देखकर पुष्टि करती है कि उसकी मौत हो चुकी है। ऑपरेटर के वहां से जाने के बाद इटो आता है, जो अपने साथियों को मरा हुआ देख काफी दुखी होता है। तभी इटो को देखकर रीना बाहर आती है। इटो रीना को लेकर वहां से निकलता है और शिंटा को कॉल करके कहता है कि तुरंत जकार्ता छोड़ दो, जिसके बाद इटो और रीना शिंटा के अपार्टमेंट पर आते हैं, जहां पर रीना इटो को फातिह के अंतिम शब्द सुनाती है। फातिह ने मरते वक्त कहा था कि हमने उसूलों के लिए लड़ाई लड़ी और मरते दम तक हार नहीं मानी। अब हम देखते हैं कि एरियन चियन वो के घर आता है। वहां पर मौजूद एलेना उसे देखकर गुस्सा हो जाती है। वो उस पर हमला करके अल्मा की मौत का बदला लेना चाहती है, लेकिन चियन वो एलेना को रोकता है और बैठ के बातचीत करने के लिए कहता है। चियन वो बताता है कि उसने फातिह, बॉबी, विष्णु और योहान को निशाना बनाया था, क्योंकि वे सबसे पहले एरियन और इटो की गैंग के मेंबर थे। चियन वो कहता है कि अगर एरियन सिक्स सीज बनना चाहता है तो उसे अपने परिवार और दोस्तों को भूलना होगा। अब चियन वो एरियन को इटो को मारने का आखिरी मौका देता है, जिसे एरियन एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बदले में जकार्ता का सारा कामकाज खुद देखना चाहता है। इटो, जो कि शिंटो के घर पर है, वहां पर ऑपरेटर आती है। इटो उस पर हमला करता है और दोनों के बीच फाइट होती है। ऑपरेटर इटो पर हावी होती है और उस पर गन तान देती है। तभी वहां पर रीना आ जाती है। वो रोते हुए कहती है कि इटो को मत मारो। अब ऑपरेटर इटो के साथ बैठ जाती है। ऑपरेटर इटो और सिक्सिस के बारे में पहले से जानती है। वो इटो से पूछती है कि जब ट्रायड ने सभी गांव वालों को मारने का ऑर्डर दिया था तो उसने रीना को क्यों बचाया। अब इटो जवाब देता है। वो खुलासा करता है कि सिक्सिस होना यानी कि ट्रायड की किलिंग मशीन होने जैसा था। ट्रायड के इशारे पर किसी को भी मारना उनका काम था और वे भी हर वक्त मौत का सामना करते थे। जब उसने रीना को देखा तो उसकी अंतरात्मा जाग गई और उसे एहसास हुआ कि वो रीना को बचाकर अपनी किस्मत बदल सकता है। ये सुनने के बाद ऑपरेटर वहां से चली जाती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि एरियन अपने दोस्त इटो और बाकी साथियों के साथ बिताए हुए दिन याद करता है। जब बॉबी ने ट्राइड से ड्रग्स लेकर बेचा तो इटो ने उससे पीटा था। तब बॉबी ने कहा था कि इस पैसों से वो गैंग की मदद करना चाहता है और इस तरीके से वो ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। जिसके बाद एरियन और इटो इस मामले पर बात करते हैं और अपनी गैंग बंद करके ट्रायड ज्वाइन करने का फैसला करते हैं ताकि वे बॉबी और बाकी साथियों को बचा सके। अब एरियन इटो को फ़ोन करके अपने पुराने अड्डे पर मिलने बुलाता है। तभी ऑपरेटर फिर से इटो के पास आती है। वो कहती है कि उसका लक्ष्य है सिक्स सीज की हत्या करना। वो उसे बताती है कि एरियन ने उसकी हत्या करने के लिए पुराने अड्डे पर ट्रायड के काफ़ी सैनिकों को इकट्ठा किया है। इटो भी वहाँ जाकर सब कुछ ख़त्म करना चाहता है, इसलिए वो ऑपरेटर से कहता है कि जब वो एरियन से लड़ रहा हो तब उसे रीना की सुरक्षा करनी होगी। इटो गोडाउन पर पहुँचता है जहाँ पर ट्राइड के सैनिक पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। इटो की उनके साथ फाइट होती है। दूसरी ओर चियन वू एलेमा और अल्मा को शिंटा के अपार्टमेंट में रीना की हत्या करने के लिए भेजता है, लेकिन वहाँ मौजूद ऑपरेटर सभी ट्राइड सैनिकों को मार देती है। फिर उसका मुकाबला एलेना और अल्मा से होता है। भीषण लड़ाई के बाद ऑपरेटर उन दोनों को भी मार देती है। वहीं पुराने अड्डे पर एरियन इटो की हत्या करने आए चियन वू के स्नाइपर को मार देता है। एरियन और इटो अब आमने सामने आते हैं। इटो ने एरियन के सभी आदमियों को मार दिया है। एरियन अपने दोस्तों की मौत के लिए इटो को दोषी ठहराता है। एरियन बताता है कि वो सिक्स सीज में इटो की जगह लेगा। तब इटो कहता है कि चियन वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनने के बाद एरियन इटो पर हमला कर देता है। दोनों दोस्तों के बीच हैंड टू हैंड फाइट होती है। इटो एरियन पर हावी हो जाता है, लेकिन वो एरियन को जान से नहीं मारता और वहाँ से जाने लगता है। तब एरियन अपनी गन निकालकर इटो पर फायर करता है। वो गोली इटो पर नहीं लेकिन उसके नज़दीक चलाता है। तभी वहाँ पर चियन वो आ जाता है। वो इटो को जिंदा देखकर एरियन पर गुस्सा होता है। एरियन चियन वू पर गोली चलाता है, लेकिन उसकी गोलियां ख़त्म हो चुकी है। चियन वू कहता है कि तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। वो अपने साथ आए सैनिकों को एरियन को मारने का ऑर्डर देता है और एरियन को गोलियों से भून दिया जाता है। वहीं ऑपरेटर रीना को सुरक्षित वहां से निकालकर इटो के पास लेकर आती है। इटो रीना को एक शिप में बिठाकर देश से बाहर भेजने का प्रबंध करता है, लेकिन वो खुद उसके साथ नहीं जाता। रीना को अलविदा कहने के बाद इटो अपनी कार में बैठता है। तभी वो देखता है कि चियन वू के कई सैनिक उसे मारने के लिए आए हैं, लेकिन अब इटो को मरने की कोई परवाह नहीं है। वो अपनी कार को तेजी से सैनिकों के सामने ले जाता है। जवाब में चियन वू के सैनिक इटो की कार पर हैवी फायरिंग करते हैं और इसी के साथ ये कोरियन फिल्म समाप्त हो जाती है।